दोस्तों, अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्य बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है।
रहती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाल्य में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ
साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती है कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाले में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गोत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में
उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपए में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं, जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है, क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गोत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है, लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं, जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों, इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, यहाँ फुल फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों, अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाली चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने
से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को एसटीडी से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उससे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपए में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बंबई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है।
यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्याल में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाल्य चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है।
रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाल्य में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यहाँ फुल फिल्म से समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाल्य चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्य बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ
साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंद्या को पकड़ लेता है, चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाल्य में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में
उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपए में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं, जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है, क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है, लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं, जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं, गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती ही और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाली चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से
सबसे पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को एसटीडी से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाले में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यहाँ फुल फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है।
यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उससे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बंबई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है।
सभी यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ
साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यहाँ फुल फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में
उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपए में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बंबई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं, जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है, क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गोत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है, लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं, जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों, इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों, अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाली चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी
किशोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को एसटीडी से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपए में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाले में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यहाँ फुल फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म
1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्य बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में
आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई
भाई रवि और गोता को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं, गोते और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाले में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी
को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है, क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गोत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाले में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यहाँ फुल फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाली चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है।
अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है, जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है, और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बंबई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं, जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाल्य में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाल्य चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है, क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गोत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं, जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाल्य में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है,
पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्याल में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाल्य चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है।
दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्य बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्याल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है।
रही और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाल्य में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाल्य चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाल्य में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाल्य चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ
साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती है कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाले में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गोत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में
उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपए में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं, जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है, क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गोत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है, लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं, जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों, इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, यहाँ फुल फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों, अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाली चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने
से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को एसटीडी से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उससे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपए में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बंबई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है।
यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्याल में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत ₹30,000 में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है।
रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाल्य में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यहाँ फुल फिल्म से समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाल्य चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बंबई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाल्य में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाल्य चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ
साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती है कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाले में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर ₹50 पेड करके और Google Play मूवी पर ₹50 पेड करके और Apple TV पर ₹120 पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ
उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपए में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं, जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है, क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गोत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं, जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाली में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यहाँ फुल फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे और कहां पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो कि 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैशाली चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को
रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा, संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर, महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को एसटीडी से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्याल में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैशाल्य में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है, उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्ता के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के साथ रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाल्य में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यह फिल्म आप कैसे
और कहाँ पे देख पाएंगे फ्री में या पैसे दे करके। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसके फिल्म की स्टोरी के बारे में, फैक्ट्स के और रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट है। यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को दिवंगत सदाशिव अमरापुरकर के फिल्म के खलनायक महारानी के रूप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। यह फिल्म 1976 की अमेरिकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर से प्रेरित थी। इस फिल्म को तमिल में अप्पू 2000 के रूप में भी बनाया गया था। यह एक अगली कड़ी सड़क 2 जो की 28 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी जो कि एक शानदार रेटिंग थी और इसको लगभग 52% लोगों ने लाइक किया था। अगर यह फिल्म आप देखना चाहते हैं तो YouTube, दोस्तों यह फिल्म फ्री में तो देखने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है, पर YouTube पर 50 रुपये पेड करके और Google Play मूवी पर 50 रुपये पेड करके और Apple TV पर 120 रुपये पेड करके आप देख पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महारानी सदाशिव अमरापुरकर एक दुष्ट ट्रांसजेंडर दलाल है जो वैश्यालय चलाता है। वह पूजा यानी पूजा भट्ट और चंदा नीलिमा अजीम जैसी कई लड़कियों को रोजगार देती है। रवि किशोर वर्मा संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर महारानी द्वारा खरीदे जाने से पहले पूजा से मिलता है और उसका दोस्त गुत्या दीपक तिजोरी चंदा से प्यार करता है। रवि ने पहले अपनी बहन रूपा यानी सोनी राजदान को STD से पीड़ित होने के बाद मौत के घाट उतारते देखा था। वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी जिसने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया और उसे वैश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। एक हिंसक घटना से रवि को सदमे में डाल दिया और डर गया। वह एक अनिद्राग्रस्त हो जाता है और अपनी बहन की मृत्यु के बारे में परेशान करता रहता है और अफसरों पर बेचैन और हिंसक होता है। अपने टैक्सी चलने के दिनों में वह इंस्पेक्टर ईरानी यानी पंकज धीर से मिलता है जिसे रवि पुलिस के बारे में प्रकाशित एक लेख में से पहचानता है। वह अपने पदक जीता था। रवि उसे उनके गंतव्य पर छोड़ देता है और उससे कोई भी पैसा लेने से इनकार कर देता है और पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर उसे कभी किसी तरह मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ जाए। रानी फिर से पूजा से मिलती है क्योंकि वह महारानी के वैश्यालय में भागने की कोशिश करती है और व्यर्थ में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह अपने टैक्सी के मालिक सलीम भाई यानी अवतार गिल से अपने जीवन की बचत 30,000 रुपये में छोटी राशि की खरीद करता है और पूजा को एक रात के लिए अपने ग्राहक के रूप में पेश करता है। वह अपने दोस्त गोत्या और एक दलाल गुल्लू की मदद से ऐसा करता है। हालांकि पूजा को सुरक्षित रूप से वापस नहीं करने की स्थिति में महारानी के आदेशों के तहत गोत्या को जमानत के रूप में रखा जाता है। वे बम्बई में घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं जिसके दौरान रवि पूजा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और हर रात उसके लिए वैशाली में वापस आता रहेगा। अगली रात रवि टैक्सी को गिरवी रखता है और वापस वैशाली चला जाता है। हालांकि महारानी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसे संदेश है कि वह या तो पागल है या पूजा से प्यार करता है क्योंकि उससे लगातार रातों में उसके लिए उच्च रकम की पेशकश की थी। वह रवि को यह भी बताती है कि चूंकि वह पिछले 30 सालों से यह धंधा चला रहा है उसे पता है कि पूजा सुबह वापस आई तो रवि उसके साथ नहीं सोया। बहुत बहस के बाद और रवि और गुत्या के अनुरोध के बाद महारानी उसे इस शर्त के साथ पूजा के रात बिताने के लिए सहमत हो जाती कि वह उसके सामने उसके साथ यौन संबंध बनाए। रवि सहमत हो जाता है लेकिन महारानी को चाकू मार देता है। पूजा के साथ आने वाले अराजकता में भाग जाता है। गोत्या भी उसकी प्रेमिका चंदा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। वे एक दूसरे के स्थान पर भाग जाते हैं जहाँ गोत्या और चंदा की शादी एक मंदिर में रवि और पूजा के आशीर्वाद से होती है। इसी बीच महारानी के गुर्गे दलाल को ढूंढते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। सलीम भाई रवि और गोत्या को पुलिस सुरक्षा में शामिल होने की सलाह देते हैं और रवि इंस्पेक्टर ईरानी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे अपनी मदद का आश्वासन देता है और उसे एक निर्धारित समय पर एक अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। हालांकि जब चारों वहां पहुंचते हैं तो महारानी और उसके गुर्गे पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उन पर अग्रेसताओं से हमला करते हैं, अस्त्रों से हमला कर देते हैं। चार भागने की कोशिश करते हैं। गोत्या और चंदा दोनों को गोली मार दी जाती है।
है और रवि ईरानी की पुलिस जीप में पूजा के साथ भागने में सफल हो जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो वह ईरानी को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि उससे अपने विश्वासघात के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि पूजा और महारानी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है जब रवि को प्रताड़ित किया जाता है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रवि यह याद करते हुए कि उसकी बहन और पूजा का भाग एक ही है अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेता है। वह इंस्पेक्टर ईरानी की हत्या करके महारानी के पास वापस जाता है और महारानी के वैशाल्य में आग लगा देता है और अंत में महारानी की हत्या कर देता है और पूजा को बचा लेता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में रवि को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद पूजा और रवि हमेशा के लिए फिर से एक साथ हो गए। दोस्तों इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों यह फिल्म समीक्षात्मक तो अच्छी रही और अच्छी रेटिंग मिली थी और इसके सभी गाने भी बहुत अच्छे थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है।